हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गुजरात के मुख्यमंत्री सप्तनिक पहुंचे अंबाजी शक्तिपीठ, मां अंबे का लिया आशीर्वाद, किया पूजन अर्चन, मां की उतारी मंगला आरती। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी अपनी पत्नी अंजलि रूपाणी के साथ अंबाजी पहुंचे, अंबाजी मंदिर में मां जगदम्बे के दर्शन किए, मंगला आरती की, मां का आशीर्वाद लिया, देश व प्रदेश में शांति व कोरोना महामारी के शमन की कामना की, माता जी के शिखर पर ध्वज फहराया। कल देर रात को मुख्यमंत्री उनकी पत्नी के साथ अंबाजी पहुंचे, रात्रि में अंबाजी में ही विश्राम किया। इसके बाद सुबह अंबाजी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मां अंबे के दर्शन किए, मां की मंगला आरती की, कोरोना महामारी का नाश होने, देश व प्रदेश में शांति की मंगल कामनाएं की, मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया। भदरवी पूनम के मेले के संदर्भ में उन्होंने समय अनुसार निर्णय लेने की बात कही। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर मंदिर में सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर रही। मुख्यमंत्री व उनकी पत्नी के जाने के बाद ही सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए विजय रूपाणी सीएम गुजरात, उन्होंने ये कहा, गई काले आषाढ़ी बीज हती, पवित्र दिवस सवारे घना वक्त पछी गांधीनगर थी अमदावाद गयो, जगन्नाथ मंदिर आषाढ़ी बीज नी यात्रा ना शुभारंभ करावा, अने गई काले सांजे गांधीनगर थी सौथी पहलो प्रवास 3 महीना पछी अंबाजी आयो छू। माँ अंबाना सवारे दर्शन ने आरती करी प्रार्थना करी छे के गुजरात ने जल्दी कोरोना मुक्त करे अने कायम माँ अंबाना आशीर्वाद गुजरात की रक्षा करे, गुजरात खूब आगळ वधे तेवी आजे मैं प्रार्थना करी। एटले हजी केवुं बहु वहेलू छे, भादरवो तो दूर छे, कारण के अषाढ़ श्रावण ने भादरवो, परंतु आपणे प्रार्थना करीए के कोरोना जल्दी ओछो थतो जाय अने भादरवी पूनम पण आपणे धामधूमथी उजवीए, परंतु परिस्थितिने जोई अने आपणे निर्णय करीशुं। जागरूक टीवी के लिए अबू रोड से खास रिपोर्ट।